नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी से क्लीन चिट मिलने के बाद नरसिंह यादव को बुधवार को यूनाइटेड विश्व कुश्ती से भी रियो ओलंपिक में भाग लेने की इजाजत मिल गई। नाडा ने सोमवार को नरसिंह को बेकसूर ठहराया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि नरसिंह को नाडा से क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद हमने विश्व इकाई को पत्र लिखकर उसके नाम पर पुनर्विचार के लिए कहा था। मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड विश्व कुश्ती का जवाब आ गया है, जिसने नरसिंह को रियो ओलंपिक में खेलने की अनुमति दे दी है। ओबामा अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए योग्य बताए जाने का जवाब देते हुए कहा कि ओबामा अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे। ट्रंप ने सिंक्लेयर ब्रॉडकास्ट समूह को दिए साक्षात्कार में कहा कि वह एक खराब राष्ट्रपति है, वह बिल्कुल मुसीबत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि पश्चिम एशिया में और सीरिया में क्या हुआ। मुझे लगता है कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें बस इस बात की चिंता है कि मैं जीतने वाला हूँ। बुलंदशहर गैंगरेप कांड की गूंज राज्यसभा में। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं, खासकर बुलंदशहर जिले में एक मां और बेटी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार का मुद्दा उठाया और सरकार से दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की। हालांकि बसपा और कांग्रेस सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की ओर समुचित ध्यान न देने का आरोप लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। बसपा प्रमुख मायावती ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में तो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विधायकों के साथ विमर्श करके आनंदीबेन का उत्तराधिकारी चुनेंगे अमित शाह। गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया को गति देते हुए भाजपा ने बुधवार को राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री आनंदीबेन को इस्तीफा देने की अनुमति दे दी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को विधायक दल के साथ विमर्श करके आनंदीबेन का उत्तराधिकारी चुनने का काम सौंपा है। शाह के अहमदाबाद पहुंचने पर गुरुवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को उत्तर कोरिया ने जापान के सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली की योजनाबद्ध तैनाती पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कदम उठाया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल को पश्चिमी शहर पोनयूल के पास से स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:50 पर प्रक्षेपित किया गया। परीक्षण से पहले उत्तर कोरिया ने 19 जुलाई को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।